वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास जी के बारे में और उनका एक दोहा लेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो दोहे से पहले स्टार्ट करते हैं, कबीर दास जी के परिचय के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। तो जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में, कहाँ पे? जो बनारस है, बनारसी में, और मृत्यु 1518 में मगहर में। उनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ मिलती हैं, मतलब कई तरह की बातें मिलती हैं। उन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने पाला पोसा, मतलब जुलाहा जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनमें से, तो क्या नाम था? नीरू और नीमा नाम की जुलाहा दंपत्ति ने पाला पोसा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान जो अनुभव था उनका अपार था। जरूरी नहीं है कि ज्ञान केवल पढ़ाई से आए, अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इनके पास अनुभव का ज्ञान अपार था। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। अभी भी आप लोग देखते हैं कई तरह के आडंबर होते हैं, पूजा पाठ का ढोंग वगैरह होते हैं, लेकिन तो उस टाइम पर पहुँचिए जहाँ कबीर दास जी के टाइम पे, वहाँ पे तो कितना ज़्यादा ढोंग आडंबर धार्मिकता को लेके बोला गया होगा, अंधविश्वास रखते होंगे लोग। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी, मतलब हिंदू और मुसलमानों की मान्यताएँ अलग अलग थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था उस टाइम, मतलब बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ बन जाती थी। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियाँ का विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार भी किया। प्रहार अब ऐसे तो नहीं कि वो तलवार लेके आ गए और मारने पीटने लगे, तो उन्होंने अपने दोहा, साखी, सवद, सवैया, इन चीज़ों से इन्होंने, मतलब जो अपनी नॉलेज थी उसको दोहा का रूप दिया और वो गा गा कर प्रचलित हुए और उन्होंने कटाक्ष किया, मतलब तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेम पूर्व भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, देखावे से नहीं। मतलब इनका मान्यता जो थी वो ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेम भक्ति की भावना को लेकर थी, दिखावे से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। रचनाएं, कबीर ने पद नहीं लिखे, गाए हैं। उनकी शिष्य परंपरा में कबीर की रचनाएं मौखिक रूप से जीवित रहीं। क्या होते हैं, जैसे पहले तो ऐसा था नहीं कि मशीन वगैरह होती थी तो छपाई वगैरह लिखाई चलती रहे, ये गाया करते थे, इनके जो शिष्य होते थे तो वो उनको फॉलो करते थे और गायन के थ्रू धीमे धीमे से, आज भी बहुत सारी स्टोरीज जो हमारी दादी परनानी दादी वगैरह सुनाती थी वो भी आज भी हम सुना लेते हैं, ऐसे ही इनकी मौखिक रूप में जीवित रही। उनका एकमात्र संग्रह बीजक नाम से प्राप्त होता है, जिसके तीन भाषाएं, साखी, सबद और रमैनी। बीजक नाम का जरूर इनकी, जैसे मान के चलिए एक ग्रंथ संग्रह है जो हमें मिला, उसमें तीन भाषाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। कबीर ने दोहा, चौपाई और पद शैली का पर्याय प्रयोग किया है। गाने में लय होनी चाहिए, लय होती है तो दोहा या सोठा या चौपाई वगैरह बन जाती है, तो इस चीज़ का इन्होंने यूज़ किया। सखी जो साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित हिंदी है, पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी मिक्स करती क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, कहीं कहीं जाया करते थे और वो कुछ लैंग्वेज का उसमें टच आ जाता था। रमैनी और सबद की भाषा पूर्वी हिंदी के निकट है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सुधक्कड़ी कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कहा है? सुधक्कड़ी भाषा। कबीर की भाषा में उनके स्वभाव से फक्कड़पन, मस्तमौलापन, साफगोई और निर्भीकता के दर्शन होते हैं। मतलब ये जब बोलते थे या इनके पद सवैया वगैरह जब हम देखते हैं तो इनके फक्कड़पन, मतलब बिल्कुल जो फकीर होते हैं उनका मस्तमौला, मतलब बिल्कुल मस्तमौले अपने अपनी बात रख देते थे। साफ सफाई, मतलब साफ गोई से मतलब होता है इन्हें सच सच बातें कहना पसंद था, और निर्भीकता बिना डर के ये बात बोलते थे। उन्हें ये मतलब नहीं रहता था कि मैं ये बोलूँगा तो क्या होगा, क्योंकि वो तो आडंबरों से परे थे। साखियाँ, साखी शब्द साक्षी से बना है। साक्षी मतलब क्या? कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से जो देखी जाती है, साक्षी। कवि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कहता है वह साखी है। मतलब कबीर दास जी ने भगवान को क्या मान लिया? साक्षात उनको साक्षी मान लिया, उनके समक्ष बोला, तो वही साखी हैं। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं, तो मतलब दोहा जो दो लाइन की कॉपलेट होता है उसको दोहा बोलते हैं। प्रत्येक साखी या दोहे का विषय अलग अलग है। इन साखियों में प्रेम भक्ति ज्ञान का उल्लेख है और हिंदू मुसलमानों को सांप्रदायिक एकता को की सीख दी गई है। मतलब ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग ना बटें, ये सब एक साथ रहें, क्योंकि सब एक ही
भगवान के हैं। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं इनका फर्स्ट जो दोहा दिया गया है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनक न जाए। देखिए इन्होंने क्या कहा है, मान सरोवर जो तिब्बत है, तिब्बत में एक झील का नाम है जिसे तीर्थ स्थान माना गया है, इसमें जो हंस रहते हैं तो वहाँ से कहीं नहीं जाते क्योंकि उस जो तालाब है मानसरोवर है वहाँ पे बहुत सारे मोती हैं, उनको वो हंस चुगते रहते हैं, उनको ये काम बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार हमारे मन में भी भगवान बसते हैं और हमें भगवान को ढूंढने कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। सुभरजल पानी से भरा हुआ है, हंस मतलब हंस, जीवात्मा जो हमारी स्प्रिट होती है आत्मा होती है, केली करना मतलब खेलना, तो जो हंस है वहाँ से मतलब खेलती रहती हैं और चुगती हैं मुक्त मतलब मोती को, मुक्ता फल मोती या मोती रूपी फल, अनंत मतलब अन्यत्र कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, ना जाही नहीं जाते। तो देखिए भावार्थ क्या कहता है, मानसरोवर झील जल से लबालब भरा हुआ है। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में है, वो जल से भरा हुआ है पूरी तरह से, उसमें हंस खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा एक संस्कृत वर्ड है, क्रीड़ा मतलब कीड़ा नहीं समझ लेना, क्रीड़ा मतलब होता है खेलना। वे मोतियों को चुगते हैं और ऐसे आनंददायक स्थान छोड़कर कहीं और नहीं जाते, मतलब वहाँ पे मोतियों को चुगते रहते हैं और उतनी अच्छी जगह उन्हें और कहीं प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वो और कहीं नहीं जाते। दूसरा भावार्थ समझिए इसका, एक तो सही से बता दिया मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर जो झील है वो पूरी तरह से भरी हुई है, हंसा खेली कराई हंस उसमें खेल करते रहते हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे वो उसमें पड़े मोतियों को चुगते रहते हैं, अब उड़ी अनंत न जाएं, अब उड़कर और कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं। दूसरा भावार्थ भी होगा, इसको दो तरह से समझते हैं, एक तो ये रियल वाला, अब इसके भावार्थ क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं। मन रूपी सरोवर आनंद जल से भरा हुआ है, उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस विहार कर रहे हैं, जीवात्मा रूपी हंस वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते, अर्थात हमारे मन में ईश्वर का निवास है, उसे ढूंढने कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने पढ़ लिया इसके बारे में, इसको देखिए फिर से मैं रिसाइट करती हूँ, इसको आपको याद करना है और लिख भी लेना है। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। आज के लिए यही काफ़ी है, नेक्स्ट हम और दोहे लेंगे, उनको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।